हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक फॉर बेबी। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही बहुत इजी हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन पार्ट ले लिए हैं, घेरा और ये ऊपर का और स्लीव्स। तो सबसे पहले कोटी के लिए लेते हैं कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने 25 इंच ली है लंबाई और इसकी चौड़ाई ली है 7.5 इंच। 8 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। अब इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे तरीके से, 1, 2 और 2 फोल्ड। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे सबसे पहले 2 इंच पर, इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और गोल शेप दे देंगे। दूसरी तरफ हम आर्महोल का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच, उसके बाद लेंगे 4 इंच पर। तो ये आर्महोल का निशान हो जाएगा, इसको भी लाइन ड्रॉ करके गोल शेप दे देंगे मोहरे की कटिंग के लिए। तो यहाँ पर निशान लगकर रेडी हैं, तो अब हम इस पर कटिंग करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट कट कर रेडी हैं, बैक एंड फ्रंट। ये फोल्डेड एरिया है, इसको हम खोल देंगे और उसको कट करने के बाद हमको 2 पार्ट मिलेंगे, बैक एंड फ्रंट। अब दूसरे की कटिंग करते हैं, घेरे की। तो यहाँ पर मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों 25-25 इंच ली हैं और उसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड एरिया है और इधर साइड भी फोल्डेड है। तो इस तरीके से ऊपर से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस पे भी गोल शेप दे देना है हमारा, ये कमर का निशान है। ये आप देख सकते हैं कमर का निशान 5.5 होगा। इसके बाद 9.5 इंच पर हम इसकी लंबाई रखेंगे, आप 10 भी कर सकते हैं, 11-12, मतलब जैसे भी जितनी लेंथ आप रखना चाहें उतनी, उसी अकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा निशान भी हम लगा लेंगे। ये फ्रॉक 8 से 10 महीने के बच्चे के लिए है, 1 साल के लिए भी हो जाएगी। इसी तरीके से आप बड़ी भी बना सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली है दोनों और इसके बाद इस पर हम कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग हो गई है और ये फोल्डेड एरिया को हम खोल देंगे। तो दोनों एरिया को कट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, बैक एंड फ्रंट। इसी तरीके के हमारे ऊपर के भी बैक एंड फ्रंट हैं। तो 2 पार्ट रहती हैं। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स में मैंने दूसरा कपड़ा भी पहले से स्टिच करके रखा हुआ है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर दोनों कपड़े रख देंगे इस तरीके से। बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत ईजी है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पर निशान नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं ऊपर से गहराई लेते हुए इस तरीके से कट कर देना है और साइड में थोड़ा शेप देते हुए इस तरीके से स्लीव्स को भी कट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास तीनों पार्ट कट कर रेडी हो जाएंगे। अब बारी आती है सिलाई की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों पार्ट कट कर रेडी हैं, घेरा, स्लीव्स एंड ऊपर का पार्ट। तब स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं, ये मैंने उल्टे रखे हुए हैं। और इस तरीके से नेक की कटिंग के लिए मैंने 2 कपड़े रेडी कर लिए हैं काट कर। तो इस तरीके से हमको लगाना है, एक उल्टी तरफ और एक सीधी तरफ। सीधी तरफ इसलिए कि पाइपिंग बनाऊंगी मैं, इसलिए स्टिच करके दिखाती हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप, ये सीधा है और ये उल्टा, इस तरीके से मैंने बनाया है। अब इसको इसके ऊपर रख कर स्टिच कर देंगे ऊपर की तरफ। स्टिच कर दिया है मैंने गाइस, मैं आप सबको खोल कर दिखाती हूँ इसको। तो देख सकते हैं ऊपर की कोटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें घेरा ज्वाइन कर देंगे। इस घेरे को बैक एंड फ्रंट पे दोनों पे ही ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों घेरे को ज्वाइन कर दिया है।
अब बारी आती है स्लीव्स की। इसी तरीके से हम स्लीव्स को भी, दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट कर देंगे अपनी फ्रॉक से। तो इस फ्रॉक से मैंने स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर दिया है। अब इसको उल्टा कर लेंगे फ्रॉक को और फिटिंग के निशान लगा लेंगे। बेबी की फिटिंग के अकॉर्डिंग ही आपको निशान लगाने हैं और देन उस पर सिलाई कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब नीचे फोल्डेड एरिया है, आप चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं, चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है, तो फ्रॉक बनकर रेडी है। ये मेरे पास थोड़ी सी लेस पड़ी हुई थी, तो मैं इसको भी यहाँ पर लगा दूँगी, तो ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगी। गाइस ये बहुत ही ईजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनकर रेडी है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।